अभी पर नहीं 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 हम रिश्ता तुम्हारे सर पे लादना नहीं चाहते नहीं कैंसर ये देख अपना रजवा माँ जी बाजू हो जाओ हाँ 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 बाजू ही है बाजू जाओ जल्दी पान बनाने में इनका खानदान का बड़ा नाम है पर इसका बेटा हीरो दिखता है हीरो है पैसे कम है पर तो कम खर्चा कर लेना है कोई नौकरी ढूंढ लेना बोले तो बात चलाए शादी शुदा नहीं दूध के दांत अभी टूटे नहीं और चली हमारे सामने दम लगाने वैसे हमारी निम्मी की तो आवाज नहीं निकल निम्मी अरे निम्मी तुम पंडित आते हैं ना तुम हमारी बात अरे सुन ले निम्मी कहाँ जा रही कहाँ हो अरे तू कहाँ रो रही है इतना कल हो गई का मत रखो कहाँ हो गया है मम्मी बोलो मैं क्या इस घर पे बहुत ज़्यादा दादी मेरी शादी तुमसे करा देना चाहती है क्या कर रही है तुमसे तुम्हारी दादी इतना भी नहीं समझती इतनी होशियार लड़की होके है दादी है तुम्हारी बेटा ऐसा काहे करेगी तुम्हारे साथ अब नहीं जानते उन्हें वो औरत कुछ भी कर सकती है तेरे हाथ पे हाथ डाल के बैठी रहना ये जो ना कैची की तरह जबान चलती है तुम्हारी ये बात ना तुम्हारी तुमको एक दिन ले डूबेगी नहीं लिख के ले लो ये बात माफ़ क्या गलत कह रही है निम्मे लड़की जाते मुंह उठाकर आ गई पंडित जी के सामने शादी की बात कर रहे पूरी मुगल सराय को जानते हैं वो नाट कटवा कर रखती है हमारी मम्मी ज्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत ना है निम्मी हम जिंदा है हम कर लेंगे बात तुम काहे आंदोलन निकाल रही हो जब हमारी शादी हुई थी ना हमारा रिश्ता हुआ था तुम्हारे पापा से अरे जांच पड़ता तो दूर उनका नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं थी हमारी उनकी शक्ल देखे थे शादी की रात को हम जरा समझा करो बेटा हम हैं तुम काहे तुम्हारे पापा है तुम काहे फरमाई से लात रही हो अपनी मम्मी आपका जमाना तो अलग था मानते हैं वो जमाना अलग था ये जमाना अलग है इसलिए कह रहे लड़का दिखा कर तुमसे सलाह मशवरा करके ही तुम्हारी शादी होगी विश्वास करो हम पर मम्मी हाथ छोड़ते बेटा जितनी बची कुची इज्जत है ना वो बाजार में नीलाम मत करो तुम सॉरी मम्मी इसे कब कैसे संस्कार दे दिया हमने कैसी परवरिश की है हमको तो आज गलती हो गई अब से मैं बीच में नहीं बोलूंगी खुल गई ना जबान आज पंडित जी के सामने भी हाँ इसलिए कह रहे थे अम्मा जी के सामने बड़ों के सामने चुप रहा करो सिर्फ सुना करो चुप रहा करो पर मैं अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी समझ लो बता इतनी पुरानी धुरानी चीजों की भी कितनी पूछ है बाबूजी आपकी तस्वीर के इस पुराने फ्रेम के 15-20 हजार मिल जाएंगे हमें अगर किसी विदेशी को बेच दिया ना तो और भी अच्छी कीमत मिल जाएगी सच्ची कह रहे बस आपका आशीर्वाद समझ के हम ये रख लेंगे ठीक है ना बाबूजी भगवान मम्मी जी कितनी लालची है अपने बाबूजी का फ्रेम बेचने की बात कर रही है अब 10-15 हजार के आशीर्वाद की जरूरत तो हमें भी है सफाई सफाई धूल 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 का कोई कपड़ा है नहीं हाथ में धूल धूल है छुप छुप के हमारी बातें सुन रही है वो मम्मी जी वो का है बातें तो नहीं सुन रहे थे हाँ मम्मी जी हमको ऐसा लगा कि
ई फ्रेम वही तो नहीं है जो नानी जी के से चोरी हो गया था? बस वही तो एक रहे थे। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हम तुम्हें चोर लगते हैं? हैं? हम अपनी अम्मा के घर हम चोरी करेंगे? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो कहा है कि ये फ्रेम बहुत पुराना है ना, शायद इसीलिए हमको लगा। वैसे मम्मी जी, इन पुरानी चीजों की आजकल बहुत अच्छा दाम मिलता है, 20,000 रुपए तक मिल जाता है। हाँ लेकिन कुछ आंटी ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई मुफ्त में भी नहीं लेके जाता। का समझ नहीं आया? समझ में आएगा भी नहीं, तुम्हारी चाची की बात करें, तुम्हारी चाची की, समझी? चलो हमारे साथ, इधर आओ। ये जगह है तुम्हारी, समझी? यहीं डटी रहा करो हमेशा। मम्मी जी, अगर हम सारा दिन घर में ऐसे किचन में काम करते रहेंगे, खाना ही बनाते रहेंगे, तो बहुत खर्चा नहीं हो जाएगा का? है ना? शट अप, जब यहाँ का काम खत्म हो जाए तो वहां छज्जे पे जाके टंग जाना, खबरदार, और कहीं दिखाई दी तो। जी ये शशिकला ना जान बूझ के हमसे बदला ले रही है, किसी से भी हमारी शादी कर देगी, किसी 40-45 साल के किसी बुड्ढे से। नहीं दी, अगर ऐसा होगा ना तो हम शादी नहीं करेंगे दी, और वैसे भी पापा और शिवम भी हमारे साथ हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसा हमारे साथ कुछ होगा तो मम्मी हमारा सपोर्ट जरूर करेगी। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। क्यों दी, आप अपनी लाइफ इस शांति सदन में बिताओगे? वो आराम से बोलो, क्या हुआ? हाँ तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले कॉलर का, आइए सुनते हैं मुझे उनको क्या प्रॉब्लम है। ऐसी आवाज वाले किसी इंसान से शादी कर रही है। अच्छा, मुझे अभी याद आया कि आपका प्यार तो मोहित मीर है। हाँ मिम्मी, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे मोहित मीर से शादी करनी है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसकी आवाज मोहित मीर के जैसी हो, जिसकी आवाज इतनी अच्छी होगी वो खुद कितना अच्छा होगा। आपकी लाइफ तो सेट है, मेरी दादी भी मान जाएगी। कैसे? दादी तो सबसे बड़ी फैन है मोहित मीर की। मम्मी को बोल दो कि शशिकला से बात करें। नहीं मेरे, रुक रुक रुक, अरे कहाँ जा रही है? मेरी बात तो सुन, पागल हो गई है क्या? निमा, खराब है क्या तेरा? मम्मी से बात करेंगे। दी, जब आपको शादी करनी है तो शशिकला से तो बात करनी पड़ेगी ना। निमा तू तो कुछ भी बोलती है। मैं कहा कुछ भी बोलती हूँ? अब आपने ही कहा कि आपको शादी करनी है, शशिकला की तो परमिशन चाहिए होगी। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे शादी करनी है? पर मतलब तो यही था। अम्मा जी, मुहूर्त तो हम निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते थे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप पंडित जी हो, चाहकर भी बुरा नहीं मान सकते ना। ऐसा है ना कि आपकी जो नई बहू है वो थोड़ी तेज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऐसा बाहर वाले सब लोग कह रहे हैं। मतलब ये है कि मुगल सराय की जो लड़कियां हैं ना, इतनी हिम्मत नहीं करती हैं, जैसे उसने सबके सामने अपना दूल्हा ही बदल दिया। अब देखिए ना, आपके नाते को पहनाने के बजाय उसने आपके पोते को बरमाला पहना दिया। तो है हमारी बहू तेज, अरे खाने का लड्डू नहीं है कि भरे मंडप में उंगली उठा के अपने प्यार के बारे में पूरी दुनिया को बताना, ये तो दादी रियाद की बहू है,
मुझे लगता है कि ऐसे पीठ पीछे उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। देखा पंडित जी, दो दिन हुए ना इस शादी के और लड़की ने कैसे वश में कर दिया बुलेट राजा को। ऐसा कहा कह दिया कि हमारे मुंह पे जवाब मार के गया। हम तो तारीफ कर रहे थे बहू की के कितनी हिम्मत वाली है। एक कुसिया देख, लुगाई के रंग में रंग गया तेरा लल्ला। रात तक इतना ही ऊंच नीच हम कर ले, भगवान ने कभी आवाज ना ही उठाई हमारे सामने। कल का छोकरा मैं इतना सुना के गया, तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है, हम तो संभाल लेंगे अपने आप को। अम्मा जी ठीक कह रही हैं। देखिए हमारे घर में भी दो दो बहुएं हैं, लेकिन हमने भी लाड़ चाव से इतना सर पे चढ़ा लिया है कि नौबत यहाँ तक आ गई है। हमारी पत्नी को ही जो है खाना बनाना पड़ता है, उसी को पानी भरना पड़ता। सुन लो सुन लो सुन लो, का करे पंडित जी, सब कलयुग की माया है, का करे। तुझे चाय दी थी ना पंडित जी को, तो तू एक काम कर, है एक और चाय बना के ला पंडित जी के लाने। मुहूर्त निकालिए वो बोरिया को वापस लाने। अभी निकालते। देखा अंकल, बोल कर गई थी एक घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ। मैंने अपने ऑफिस का सारा काम कर लिया, लेकिन मैडम का कहीं कुछ पता ही नहीं। सब समझ मैं आ गई और बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। अरे ओफो, देखो कितनी सारी शॉपिंग की है मैंने। क्या हो गया तुझे, ऐसे साइड क्यों बैठी है? हाँ तो तूने तो कहा था तू एक घंटे में आ जाएगी, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। अरे शॉपिंग करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। देख रहे हैं अंकल, जब से वाइफ बनी है इसे अकेले शॉपिंग करने में मजा आता है। अरे क्या हो गया तुझे, कहा तो था चलने को, लेकिन तूने कहा तुझे फील्ड विजिट पर जाना है, तो उसमें भी मेरी गलती। चल स्माइल कर, मैं तुझे दिखाती हूँ मैंने सबके लिए क्या क्या खरीदा है। ये साड़ी मैं अपनी दादी जी के लिए लेके आई, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है यार। ये मम्मी जी के लिए, ये लिया कुर्ता मैंने पापा जी के लिए, ये नमिता के लिए, और प्रीति के लिए ये सूट, ये है शिवम जी के लिए, क्या है वो नहीं बताऊंगी। देख रहा है अनुपम, शादी के बाद गुड़िया कैसी ससुराल वाली हो गई है। अरे अपने ससुराल वालों के लिए सब कुछ खरीदा और अपने पापा के लिए, भाई के लिए, घंटिया के लिए कुछ नहीं लाई, ये का बात भाई बिटिया। अब हाँ, हम तो पहले से ही कहते हैं भाई, लड़की तो होती ही पराया धन है, अब ससुराल जाके मायके वालों की याद थोड़ी ना आएगी। सुमन तुम्हें तो मुंह खोलने का मौका मिलना चाहिए, बेटियां तो होती हैं पराया धन। बुआ जी आप तो ना हमारी जबान ही पकड़ लो। अरे जो आप कह रही है वही तो हम कह रहे हैं, कोई अलग बात थोड़ी कह दी हमने। अरे हम तो वही कह रहे हैं जो तुम बोली हो, ये कोई बोलने की बात है का? हे भगवान, आप तो बस ढूंढती रहती हैं कि कब हमें परेशान कर सके, कब हमारे पीछे पड़ सके, कब हमारी कोई नुक्स निकाल सके। अरे प्लीज प्लीज आप दोनों प्लीज बस कीजिए ना, और टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं आप सबके लिए कुछ कुछ लेके आई। ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं और अपने घर वालों के लिए कुछ ना लाऊं? चाची जी ये आपके लिए। क्या बात है चाची जी। और ये हमारी दादी बुआ के लिए। पापा जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया।
मेरा गिफ्ट? अब हाँ बंटी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि तेरे लिए भी कुछ लेके आना चाहिए था। लेकिन तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना तेरे लिए तेरी दोस्त। टेंशन मत ले, लेके आई हूँ तेरे लिए। ये ले बंटी घंटिया, ये तेरे लिए। वाओ, ये का उलट पलट के दोनों हाथ से देख रही हो है? कौन सा तुम अपनी जेब से पैसा लगाई हो? अरे गुड़िया लाई है तो दोनों हाथ से समेट के रख लो। अनुपम बेटा, जरा फोन तो लगाओ, गुड़िया की विदाई कब करोगे? अरे तीज आ रही है ना, वो लोग तो कुछ बोलते भी नहीं है और ना कुछ सुनते हैं, का कहे शांतिया की तरह बस गूंगे बन के बैठे हैं। मुझे अच्छा लगता है वहाँ फोन करें और पूछे कि हमारी लड़की को कब लेने आ रहे। अरे हमारी बेटी हम पर बोझ है क्या? नहीं नहीं अनुपम, तुम्हारी बिटिया शादी के बाद तुम्हारे लिए बोझ कैसे हो सकती है? ठीक है मत करो फोन, तुम अच्छे बने रहो, लेकिन हम शांतिया को फोन करेंगे। बता गुड़िया, शादी के बाद ये तेरी पहली तीज है, अपने पति परमेश्वर के लिए व्रत रखोगी ना?